people and I wonder all day, who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss, look on my shit brainwashed. I'm a freak in the sheets, I got class. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ HD रिसेप्शन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। आप ऐसा लुक करके जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाले हो। बहुत ही यूनिक सा ये मेकअप लुक है, हटके मेकअप लुक है गाइस ये। और मैं फर्स्ट टाइम DSLR से बना रही हूँ, तो कैसी क्वालिटी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। ये HD काइंड ऑफ मेकअप है, वाटर प्रूफ है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ये मेकअप लुक है। जल्दी आपका ये मेकअप नहीं निकलने वाला है। तो गाइस कैसा लगा चलिए बताइएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी जो है आईब्रो को फिल कर लिया था। अब जो है डार्क सर्किल वगैरह को मैंने हाइड किया है कंसीलर से। पैक का मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट लगाया है, बहुत ही अमेजिंग कॉम्पैक्ट होता है गाइस, इतना ज़्यादा हाई कवरेज होता है ये। ट्यूबलाइट का मैंने डस्क पैलेट यूज़ किया है, ये पिंक कलर का शेड लेकर, बहुत ही अमेजिंग पैलेट है गाइस ये। पिंक कलर शेड लेकर अपने पूरे लिड पे मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही इजी पीजी सा आई मेकअप है ये, बहुत ही इजी। उसके बाद ये डार्क कलर लेकर इसके ऊपर मैं इसे अप्लाई कर लूँगी, और ये थोड़ा सा ऑरेंजिस टाइप का ब्राउन कलर था। उसके बाद आप कट क्रीज बना लो, ऐसे रफली बना लो तो भी चलेगा। और उसके बाद ये पिंक कलर का शेड लेकर मैं इसके ऊपर लगा ले रही हूँ, ताकि जो पिंक कलर है वो उभर के आए। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ये डार्क शेड। उसके बाद जो कंसीलर से लाइन बन गई थी उसको हाइड करूँगी इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे स्विस ब्यूटी का मैंने एक ग्लिटर यूज़ किया है, डायमंड डस्ट। बहुत ही प्रिटी ग्लिटर्स होते हैं गाइज, ये आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए ग्लिटर्स। स्विस ब्यूटी का मैंने यहाँ पे आईलाइनर पेन यूज़ किया है, बहुत ही ज़्यादा जेड ब्लैक पेन होती है, और शायद मुझे अभी ऑनलाइन ये दिख भी नहीं रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। हुडा ब्यूटी की मैंने यहाँ पे फॉल्स आईलैशेस यूज़ किया है। गुड वाइब की मैंने कोकोनट डे क्रीम यूज़ किया है, बहुत ही अमेजिंग क्रीम होती है, बहुत अच्छे से आपके फेस को मॉइस्चराइज करती है, ग्लो करती है, और स्कार्स वगैरह को धीरे धीरे ख़त्म भी करती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का ग्लो वाला प्राइमर यूज़ किया है। इंस्टेंट आपके चेहरे पे ये ग्लो ले आता है, लॉन्ग लास्टिंग बनाता है मेकअप को। मेबलिन का फिट मी यूज़ किया है, शेड है 128, और इसको मैंने अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया। पहले ब्रश के हेल्प से अप्लाई करेंगे, उसके बाद स्पॉन्ज के हेल्प से अप्लाई करेंगे। तो यार थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम मुझे लग रही है, बट धीरे धीरे हो जाएगा सही। कैमरे से मैं आज बना रही हूँ फर्स्ट टाइम, ज़रूर बताइएगा कैसा लगा क्वालिटी। उसके बाद यहाँ पे पैक का मैंने कंसीलर यूज़ किया है, बहुत ही हाई कवरेज कंसीलर होता है, तो ये पूरा बेस जो है ना बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ भी है। और इस तरीके से मैंने इसको जो है ब्लेंड कर लिया है, पहले ब्रश के हेल्प से कर लो या फिर आप उसी डैम स्पॉन्ज के हेल्प से भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ कॉम्पैक्ट पैक का ही यूज़ किया है, स्टूडियो फिनिश, बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। फेसेस कनाडा का मैंने कॉन्ट्रो पैलेट यूज़ किया है, और इसी से अपने पूरे फेस को मैं ब्रॉन्ज करूँगी। बहुत ही डार्क वाला नहीं होती ब्रॉन्जिंग इससे, बहुत ही लाइट मीडियम होती है, तो काफ़ी अच्छा बिगनर्स के लिए तो काफ़ी अच्छी पैलेट है। इसमें तीनों चीज़ें, हाइलाइटर, ब्लश और कॉन्ट्रोर, तीनों चीज़ें। तो अब यहाँ पे मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ, ब्लश का शेड भी इसका बहुत ही प्यारा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ब्लश भी अप्लाई कर लिया है। और अब यहाँ पे मैं हाइलाइटर अप्लाई कर लिया मैंने सेम पैलेट के हेल्प से। डबल XL वेट एंड वाइल्ड का मैंने मस्कारा यूज़ किया है, अब नॉर्मल लैशेस और फेक लैशेस को एक जैसा दिखाने के लिए। और NYB का मैंने यहाँ पे लिक्विड लिपस्टिक ली है, बहुत ही लाइट वेट लिक्विड लिपस्टिक होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, शेड बहुत प्यारा है। सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने Glam 21 का मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है, अपने पूरे मेकअप को अच्छे से फिनिश देने के लिए और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। तो ये मेरा फाइनल लुक गाइस, आई होप आपको ये वेडिंग गेस्ट रिसेप्शन मेकअप अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।